हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो कि कटिंग और स्वागत है मेरे नई वीडियो में। सो गाइस, अभी हम लोग का पास देख रहे होंगे महा मुकाबला होने वाला है। अभी यहाँ पे इधर R15 V4 है और उधर KTM RC125 है। दोनों का न्यू मॉडल है 2022 का, क्योंकि ये दोनों मार्केट में बहुत अभी तगड़ा कॉम्पिटिशन ये दोनों का चल रहा है। यहाँ भी देख सकते हो दोनों का लुक, बोलते हैं ना, बवाल कर रहा है मार्केट में। सो गाइस, आप लोग को दिखाएंगे ये पावर के मामले में देखा जाए तो R15 थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये आपका 18 BHP के आसपास है और ये आपका 15 BHP है। सो देखते हैं दोनों का, ये कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ड्रैग रेस करेंगे और पता चल जाएगा कि कौन सा बाइक है बाहुबली। सो गाइस, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, देख रहे होंगे बहुत बहुत सुंदर कलर दोनों का, बहुत अच्छा है। ये ब्लू है और वो ऑरेंज मिल रहा है, और मार्केट में तो ये दोनों बाइक तो बवाल ही कर रहा है अभी 2022 में। सो गाइस, अभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, बाय बाय। अब 3 हॉर्न मार के उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कौन सा विन होता है। सो यार 3 हॉर्न मारेंगे, तू मारेगा कि हम मारेंगे? नहीं नहीं हम लोग मारेंगे, हॉर्न से होगा। तीन हॉर्न मारना, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। फर्स्ट गियर निकल गए। R1 वाला बंदा निकल गया आगे, बहुत तेज निकला, लेकिन वो इतना तेज निकला कि हम तो बहुत पीछे छूट गए। देखते हैं कि उसको हटा पाता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा दूर भाग गया है वो। फर्स्ट राउंड में तो विन हो गया R15। और देखते हैं सेकंड राउंड में कि क्या होता है। सो बहुत तेज निकला, लेकिन हाँ फिर फर्स्ट राउंड में विन तो अभी R15 V4 हुआ। अब देखते हैं सेकंड राउंड में क्या दूसरा रिजल्ट मिलता है कि पता चल जाएगा अभी, क्योंकि देखे इनिशियल में तो बहुत तेज निकला वो। अब मेरा बाइक तो सेकंड थर्ड में भी कुछ नहीं कर पाया। अब देखेंगे कि राइडर अभी हम चलाएंगे, राइडर तो बहुत तगड़ा था इस कारण से तो निकल गया है। और इसके बाद देखेंगे कौन सा राइडर हम होते विन की फिर से RC इस तरह हो जाएगा, पता नहीं। लेकिन रिजल्ट तो यही हमको लग रहा है विन होगा, क्योंकि पावर तो इसमें तो ज़्यादा है, 3 BHP इसमें ज़्यादा है और इसमें 3 BHP कम है, तो कुछ तो रिजल्ट आना ही चाहिए था ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अभी, देखते हैं सेकेंड राउंड में। 3 हॉर्न मार के उसके बाद निकलना है। तीन हॉर्न मारना भाई, उसके बाद ठीक है हम मारेंगे, ठीक नहीं मारेगा, तुम मारो। तो जोर से पिकअप पकड़ा है, लेकिन ये इतना जोर से कि काहे बताएं आपको। वो RC में मज़ा नहीं जितना ये R1 में मज़ा है, इतना फन से पार हुए ना, क्या बताएं उसको। यही तो है R1 का पावर में तो ज़्यादा है, इस कारण से टॉर्क भी ज़्यादा है, तो तभी निकल गया आगे। वो बहुत पीछे छूट गया है, अब देखते हैं उसको एक बार चांस देते हैं। कहाँ छूट गया था यार, कहाँ छूट गया था? वही देखा कि कहीं बैठाया भी नहीं, कहीं दिखा भी नहीं। इनिशियल तुम्हारा लग रहा थोड़ा गड़बड़ हो गया ना? वही गड़बड़, वही बोल रहे कि बहुत पीछे, इतना पीछे नहीं रहना चाहिए था, थोड़ा मोड़ा पीछे रहता चलता।
चलो गाइस ठीक है, तो मिल गया दूसरा रिजल्ट कि R15 ही विन हुआ और सेकंड पोजीशन में वही आया जो पता पहले से पता था कि वही जीतेगा, क्योंकि एक बार देख लेना चाह रहे थे क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सो वही हम लोग देखना चाह रहे थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत जल्दी आएगा। चलिए ठीक है, बाय।